वेलकम बैक टू माई चैनल ViRaas हॉबी वर्ल्ड. आज मैं आप लोगों के लिए एज यूजुअल एक ईजी और टेस्टी डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रवा उत्तप्पम. लास्ट वीडियो में मैंने आपको रवा डोसा बनाना सिखाया ही था जो बहुत ही आसान था और 10 या 15 मिनट में ही बन जाता है. उसी तरह से मैं अभी आपको रवा उत्तप्पम की भी रेसिपी बताने जा रही हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी लिया हुआ है, यानी इसे रवा भी कहते हैं हम लोग. फिर यहाँ पे 1/2 कप मैंने राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, 1 कप दही यानी कि कर्ड, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 1 बड़ा टमाटर और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है. इन सबको बारीक कट कर लिया है. थोड़ा सा ऑयल, सॉल्ट, शक्कर और फिर धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, जीरा. चटनी के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप कोकोनट लिया हुआ है, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा सेंग दाना, थोड़ी स्प्लिट दाल और यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है मैंने. ये सब इंग्रेडिएंट्स चटनी के लिए है. और चटनी के तड़के के लिए हम लेंगे थोड़े सीसेम सीड्स, थोड़ा जीरा और सरसों के बीज. सो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूजी में ऐड कर दिया है राइस फ्लोर. जो 2 कप सूजी था उसमें 1/2 कप राइस फ्लोर और साथ ही मैं अभी मैं ऐड कर दूँगी दही. दही को मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करूँगी और थोड़े लम्स ना फॉर्म हो इसी तरह से उसे मिक्स भी कर लूँगी साथ में ही. और जैसे ही वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी. यहाँ पे मैंने करीबन 1/2 कप पहले पानी ऐड किया है, इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी और फिर से हम ऐड करेंगे 1 कप पानी. और पानी को हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे. अभी फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड किया है तो जो लम्स है वो ना बने, इसीलिए मैंने उसे अच्छे से मिला दिया है. जितना अच्छे से मिलाते आएगा जितने लम्स हमें निकालते आएंगे हम उस लम्स को निकाल देंगे. सो यहाँ पे बैटर जो है वो रेडी हो चुका है. सो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और नमक ऐड करने के बाद इसे मैं मिला लूँगी अच्छे से. और साथ ही में हम इसमें 1 चुटकी शक्कर भी ऐड कर देंगे और इसे फिर अच्छे से मिला लेंगे. और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे करीबन 15 मिनट के लिए. सो अभी हम चटनी बना लेते हैं. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सिंग जार में ऐड कर दिया है लहसुन, साथ ही में हम ऐड कर देंगे सेंग दाना और फिर हम ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्च और साथ ही में हम ऐड कर देंगे इसमें स्प्लिट दाल और जो कोकोनट हमने ग्रेट करके रखा हुआ है वो सभी हम इसमें ऐड कर देंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही में धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग. हम साथ ही में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, चीनी और थोड़ा सा पानी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे. अगर चटनी अच्छे से पीसी नहीं जा रही है तो हम इसे निकाल के थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देंगे ताकि चटनी जो है वो उसे अच्छे से टेक्सचर मिले. तो इसमें मैं अभी थोड़ा और पानी ऐड कर दूँगी और फिर से पीस लूँगी और बस चटनी जो है वो रेडी है. अभी हम तैयारी कर लेंगे तड़के की. अभी तड़के के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया है. जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैंने इसमें ऐड कर दिया है सरसों और जैसे ही सरसों जो है वो थोड़ा सा फूटने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सीसम सीड्स. इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनने देना है, थोड़ा सा रेडिश होने देना है. जैसे ही तड़का अच्छे से भून जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे चटनी जो हमने पीस के रखी थी. आप चाहे तो इसमें रेड चिल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हो. मेरे पास रेड चिल्ली नहीं थी तो मैंने यहाँ पे तड़के में इस्तेमाल नहीं की है. और बस अभी चटनी जो है वो हमें 1 ही मिनट तक पकाना है, ज़्यादा तड़का लगाने के बाद उसे पकाना नहीं है. और बस 1 मिनट बाद चटनी हमारी रेडी है. तो अभी हम चलते हैं बैटर की तरफ. बैटर को भी रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं. सो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे सभी जो हमने वेजीज कट करके रखी है. सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, साथ में हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिली और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन यानी कि प्याज,
जो हमने बारीक कट किया था, शिमला मिर्च इसे भी बारीक कट कर लिया था, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर, इसे भी हमें बारीक कट करके ही डालना है, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। आप कंसिस्टेंसी बैटर की देख सकते हो, ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। रवा डोसा में हमने बहुत पतला किया था, इसमें उसको इतना पतला नहीं करना है। और अभी हम पैन में थोड़ा ऑयल डाल देंगे और फिर डालेंगे बैटर। बैटर को मैंने सेंटर से डालते हुए फिर उसे उत्तपम की तरह इसे बना लिया है, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है। और 5 मिनट तक इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे। आप इसे आपके मनपसंद के साइज़ में बना सकते हो, छोटा बड़ा, मैंने छोटे से ही उत्तपम बनाए हैं। और बस 5 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे, वो आसानी से निकलने लगेगा। यहाँ पे वो आसानी से निकल चुका है, और बस ये देखिए इसे दूसरी साइड पे भी हम पका लेंगे, और यहाँ पे ये दूसरी साइड में भी पक चुका है, तो इसे अभी हम सर्व कर लेंगे। सर्विंग के लिए हम यहाँ पे चटनी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम सेकंड वाला उत्तपम फिर से बना लेते हैं। उसी तरह से थोड़ा ऑयल डालेंगे, ऑयल ज़्यादा हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, और फिर बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। वापस से सेंटर से हमें इसे उत्तपम की तरह स्प्रेड करते जाना है, और जो पेसेस बच जाती है वहाँ पे आप थोड़ा सा बैटर ऐड कर दीजिए। और बस जैसे ही ये हो जाएगा हमें इसे फिर 5 मिनट तक रखना है मीडियम फ्लेम पर, और जैसे ही वो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट हो जाएगा तो इसे हम पलट देंगे। अगर उत्तपम आसानी से ना निकले तो इसे और थोड़ी देर पकने दें, और अगर आसानी से निकल जाएगा तो इसे हम पलट देंगे और फिर से इसे पका लेंगे। और बस उत्तपम रेडी है, तो इसे हम अभी गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।